हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इस चैप्टर को आप लोग को एग्जाम में आएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंस है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी। तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने NPO, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इशू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरे रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को मैंने समझाया, काफ़ी डिटेल में समझाया। तो इस चैप्टर को भी मैं काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि मतलब एक दो वीडियो बनाऊंगा और फिर आप लोग को बोल दूंगा कि ठीक है, काफ़ी पूरे अच्छे से वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन पहला लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको बेसिक्स उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट्स आपको पता हो जाएंगे तो आपको आगे के चैप्टर काफ़ी इजी लगेंगे और मतलब जो चैप्टर है वो काफ़ी इजी लगेगा, सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं उसको आपकी टेक्स्ट बुक या आपकी नोटबुक का जो आप लोग चैप्टर शुरू करोगे उसके फर्स्ट पेज पर नोट डाउन कर लो, ताकि जब आप रिवाइज करने जाओगे तो आपको पहले मतलब जब वापस आप पढ़ने जाओगे तो पहले ये जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे उसको रिवाइज करो, फिर चैप्टर करने जाओगे तो आप लोग को आसानी पड़ेगी और नई नई चीज़ें आप लोग को जो होगी चैप्टर में वो मालूम पड़ जाएगी। रिपीट चीज़ें तो बार बार आती रहती है, कुछ नया नया होता है हर क्वेश्चन में, तो वो आप लोग को हाईलाइट करना चाहिए। तो मेरी गारंटी है कि अगर आपने वीडियो सही से देखा और सारे लेक्चर्स देखे तो आप लोग को एडमिशन भी इजी लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग को चैप्टर का एक्चुअल जो नाम है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप में कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, उसकी वजह से हम लोग को अलग अलग तरीके हैं, उसके चार फॉर्म्स हैं जो पार्टनरशिप जो चेंज होती है उसके हिसाब से। पहला जो होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। ऑलरेडी समझो एग्जांपल, आप वैसे तो आप देखोगे तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से हम लोग के पास टोटल कैपेसिटी है कि 20 पार्टनर हम लोग लग सकते हैं, बराबर है। लेकिन उसमें से हम लोग अभी एडमिशन में क्या होता है कि एक नया पार्टनर आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा चेंज इन PSR में ऑलरेडी जो पार्टनर्स है उनका खाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा चेंज। समझो एग्जाम्पल, तीन पार्टनर है, एक को ऐसा होता 2:2, 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलता था, तीन ही पार्टनर थे, लेकिन चेंज होकर समझो ऐसा हो रहा है 2:1:1 हो जा रहा है। तो इसके लिए भी हम लोग को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ चेंजेस करना पड़ता है। तो वो है, तो उसके लिए ज़्यादा कोई मतलब इतना मेहनत नहीं है क्योंकि सिंपल सी बात है, सब ऑलरेडी पार्टनर थे, खाली वो क्या बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है तो प्रॉफिट बांटने के टाइम पे चेंजेस करना पड़ेगा, बाकी ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं, थोड़ा बहुत हो सकते हैं। तो उसके अलग अलग कंडीशंस होते हैं, वो आप लोग को पढ़ना नहीं, आप लोग को ये तीन चैप्टर पढ़ना है, लेकिन अभी फिलहाल ये चैप्टर में आप लोग को क्या पढ़ना है एडमिशन। तो सेकेंड जो कंडीशन है वो क्या होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन की ऑफ पार्टनरशिप की, एडमिशन ऑफ पार्टनर। थर्ड क्या होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। फोर्थ क्या होता है डेथ ऑफ पार्टनर। अब हम लोग ये दोनों के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ इसके बाद में बात करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में। अब सवाल उठता है एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब नया पार्टनर को हम लोग पार्टनरशिप फर्म में, हमारी जो पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में उसमें नए पार्टनर को लेते हैं। अब नए पार्टनर को लेने की वजह से समझो एग्जाम्पल, दो पार्टनर थे हम लोग के, बराबर ना, A और B, तो दोनों 2:2:2 पार्टनरशिप इक्वल शेयर करते थे, दो हिस्सा इसका दो हिस्सा इसका। वो लोग ने एक नए पार्टनर को बुलाया बिजनेस में जिसका नाम है C। क्यों बुलाए, रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये हो सकता है कि उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा या उसको पैसे की जरूरत पड़ी होगी हम लोग को, या हम लोग को एक्सपांड करने के लिए लोगों की जरूरत है मतलब या पार्टनर की जरूरत है। तो बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, इसलिए हम लोग नए पार्टनर को लेते हैं, बराबर है। अब एक को ले, दो के लिए, तीन को ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग को सिलेबस में क्योंकि इतने सारे कॉलम बनाओगे तो पार्टनर लोग के मतलब ना पार्टनर के अपने बहुत सारे कॉलम बनाना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो लोग क्या करते हैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ दो पार्टनर और एक नया पार्टनर को लेकर आते हैं। मतलब तीन ही पार्टनर की क्वेश्चन कंडीशन रहती है मोस्टली क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये नए पार्टनर को हम लोग लेंगे। अब नए पार्टनर को लेंगे तो ऑलरेडी सिंपल सी बात है जो कंपनी एग्जिस्टिंग है वो कुछ ना कुछ स्टैब्लिश होगी, उसके पास कुछ असेट होंगे, कुछ पैसे होगी, कुछ गुडविल होगी मार्केट में। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वो पार्टनर से जब वो नया पार्टनर आता है तो उससे कैपिटल का पैसा मांगते हैं। कैपिटल मतलब आप लोग को पता है जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस। अब वो पैसा इन्वेस्ट करे चाहे कोई चीज़ इन्वेस्ट करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो नया पार्टनर से हम लोग मांगते हैं क्योंकि वो बिजनेस में आ रहे हैं, बराबर ना। जब वो बिजनेस में आएगा तो हम लोग को क्या देगा, कुछ ना कुछ पैसे देगा या कोई चीज़ देगा। अगर पैसा देगा तो बिजनेस को क्या मिला, कैश, या तो हम लोग क्या ले सकते हैं बैंक, क्योंकि वो चेक वगैरह भी दे सकते हैं, बराबर है। टू, इनकमिंग पार्टनर, बराबर ना। तो यहाँ पे इनकमिंग पार्टनर का नाम क्या है, सीज कैपिटल। अब नाम अलग अलग हो सकता है, उसका नाम होगा समझो राहुल तो राहुल्स कैपिटल, जो भी है व्हाटएवर,
बराबर ना। तो ये हमने लिख दिया, समझो एग्जांपल उसने 50,000 रुपीज दिया, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डेबिट में 50, क्रेडिट में भी 50। एकदम सिंपल सी जनरल एंट्री है। क्या इन जो पार्टनर आ रहा है उसने आप लोग को बिजनेस मानने के लिए क्या दिया, पैसे दिया, तो बिजनेस को क्या मिला, कैश, तो कैश बैंक डेबिट में, जो जब भी कैश आता है तो डेबिट में लिखते, तो लिख दिए। और किसने दिया, क्रेडिट में लिखने का, तो टू सीज कैपिटल। क्लियर है, कैपिटल वर्ड यूज करें, सी नहीं खाली। आप लोगों का सवाल उड़ेगा सर सीज खाली क्यों नहीं लिखे, मैं बोलते ना सीज अकाउंट या राहुल अकाउंट, हम एग्जांपल राहुल नाम है उसका, तो राहुल अकाउंट क्यों नहीं लिखे। जब पार्टनर बिजनेस का पैसा, बिजनेस का पार्टनर पैसा देता, तो हम लोग क्या वर्ड, कौन सा अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल, इसलिए उसके आगे कैपिटल लिखे। नॉर्मल आदमी नहीं है वो कि सिर्फ उसका नॉर्मल नाम लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया ऐसा। कभी कभार वो बिजनेस में आएगा, पैसा नहीं देगा, कोई चीज देगा, तो समझो एग्जांपल उसने मशीन दिया, तो बिजनेस को क्या मिला, मशीन, तो डेबिट में क्या लिखोगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू किसने दिया, सी कैपिटल, सी ने दिया, तो सी खाली नहीं लिखोगे, साथ में क्या वर्ड करोगे, कैपिटल, क्योंकि वो बिजनेस का क्या है, ओनर है। समझो 20,000 की मशीन थी, 20,000, तो ये आप मेंशन कर दोगे इस तरह से। अब कभी कभार ऐसा होता है कैश भी देगा, असेट भी देगा, अब कोई भी असेट देगा, जरूरी नहीं कि मशीन दे, वो कार दे सकता है, कोई भी और चीज़ों भी देगा, वो हम लोग लिख लेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मशीन के बदले चाहिए तो आप लोग मेंशन कर लो क्या, असेट्स, कोई भी असेट दे सकता है वो, ये कंडीशन हो सकती है, ये चीज़ें हो सकती है, बराबर है। अब जब वो नया पार्टनर आएगा बिजनेस में, तो सिंपल सी बात है, जो पुराने पार्टनर्स है और नया पार्टनर है, ये जो रेशो था 2:2, ये क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो ये मतलब ये कौन सा रेशो रहेगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं ओल्ड रेशो या ओल्ड PSR, PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बराबर ना। खाली उसमें प्रॉफिट नहीं होता, लॉस भी हो सकते हैं। जब नया पार्टनर आएगा तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो अब कंडीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बराबर है। और ये भी सोचो, अगर एग्जांपल अभी हम लोग कमाते थे, पहले एक कंपनी हम लोग कमाती थी, समझो 1,00,000 रुपये कमाती थी, कितना कमाती थी, 1,00,000 रुपीस, बराबर है, साल का प्रॉफिट। तो ये दो पार्टनर थे, तो दोनों का 2:2 मतलब इक्वल इक्वल था, तो इसका कितना हो जाता था 50,000 ए का, और बी का कितना हो जाता था 50,000, बराबर है। लेकिन अब नए पार्टनर को आए, नए पार्टनर को हम लोगों ने कुछ हिस्सा दिए होंगे, नया शेयर दिए होंगे, बराबर ना, उसको बोलेंगे कि एक हिस्सा मिलेगा तेरे को, समझो एग्जाम्पल यहाँ पे इसने 1 बोला, तो नया शेयरिंग रेशो क्या हो गया, 2:2:1, बराबर है। लेकिन ये 2:2:1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए ऐसा नहीं दिया था कंडीशन मोस्टली, अगर ऐसा दिया तो ठीक है, नया न्यू प्रॉफिट शेयर डाल दिया तो फिर इसको हम लोग बांट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा दिया जाएगा कि उसको शेयर दिया है 1/4, क्या दिया है 1/4। अब जब ये नया पार्टनर आएगा तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ हिस्सा तो प्रॉफिट में से लेगा। अब ये 1,00,000 में से ही लेगा, तो पुराने पार्टनर्स लोग को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेक्रीफाइस मतलब अपने हिस्से में से कुछ उसको देना पड़ता है, अपने ही पैसे में से, अपने ही प्रॉफिट में से। तो इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोल सकते हैं हम लोग, बराबर है। तो मतलब ये चैप्टर में हम लोग को दो चीजें निकालना पड़ेगी, एक तो न्यू रेशियो क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा, कभी कभार क्वेश्चन में न्यू रेशियो पहले से दिया होता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में नहीं दिया होता, तो न्यू रेशियो निकालना पड़ता है। और क्या निकालना पड़ता है हम लोग को, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। ये दो रेशियो हम लोग को निकालना है। अब इसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला है, क्या है इसके लिए फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला आप लोग को बता देता हूं। पहले निकालते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ वन, बैलेंस ऑफ वन कैसे निकलता है, 1 लिखेंगे उसमें से पार्टनर्स, न्यू पार्टनर शेयर माइनस कर देंगे, न्यू पार्टनर्स शेयर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और फिर ये आने के बाद हम लोग निकालेंगे न्यू रेशो, न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ वन। तो ये क्या है, न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला है। इससे क्या मिलेगा आप लोग को, न्यू रेशो, इससे क्या मिलेगा आप लोग को, न्यू रेशो। क्या करना है, कैसे निकालना है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आप लोग को समझाता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एग्जांपल ध्यान से समझना,
दो वीडियो लग जाएंगे इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन इसका काफी बड़ा है, तो आप लोग को ध्यान से सुनना है। हाँ, अगर वो समझ गया तो आप लोग को आगे का चैप्टर बहुत नकली और बहुत इजी लगेगा। इसमें क्या होता है, जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आता है और लेजर बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा टाइम लगे इंट्रोडक्शन में, क्योंकि मुझे जनरल एंट्री भी आप लोग को समझाना पड़ेगी। या तो ऐसा करूंगा, मैं जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन बाद में लूंगा और उसका इंट्रोडक्शन बाद में लेता हूं, ऐसा देखते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोग को बैलेंस ऑफ वन निकालना पड़ेगा, मतलब वन में से न्यू पार्टनर का शेयर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और फिर न्यू रेशियो निकालने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो, जो ओल्ड रेशियो पुराना था टू, उसमें से बैलेंस ऑफ वन जो आप लोग का इसका जो आंसर आएगा वो क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई करना रहेगा। अब इसको समझाने के लिए मैं आप लोग के लिए एग्जांपल लेता हूं, लेकिन इसके बाद एक और चीज निकालना रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो। अब इसका अगर फॉर्मूला देखेंगे हम लोग तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है ना, क्या है फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये किसका फॉर्मूला है, सैक्रिफाइस रेशियो का। मतलब ये तीन चीजें हम लोग को निकालना पड़ेगी क्वेश्चन में। अब इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आप लोग के लिए बोर्ड पे, इसको आप लोग को स्नैपशॉट लेना है तो ले सकते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक आप लोग देखिए। चलिए ध्यान दीजिए, मैंने क्वेश्चन लिख लिया आप लोग के लिए, मोहन एंड रोहन आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो पार्टनर थे पुराने जिनका नाम था मोहन और रोहन, वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते थे कितने रेशो में, 2:3 में, मतलब ये हमारा क्या है, ओल्ड रेशो। दे एडमिटेड चंद्रकांत फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। वो लोग ने किसको एडमिट किया है, चंद्रकांत को। कितना शेयर देने वाले हैं फ्यूचर प्रॉफिट में, 1/4 शेयर, मतलब ये क्या है, न्यू पार्टनर का शेयर है इन फ्यूचर प्रॉफिट। कैलकुलेट न्यू PSR एंड सैक्रिफाइस रेशियो। हम लोग को न्यू PSR और सैक्रिफाइस, दो चीजें निकालना बोला है हम लोग को, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो। तो हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए हम लोग को, मतलब सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, न्यू PSR। एक ट्रिक बताऊंगा अभी वीडियो में, लेकिन वो वीडियो ट्रिक आप लोग को किसी को बताना नहीं है, ध्यान में रखना है खाली आप लोग को समझने के लिए। हाँ, आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोग शेयर कर सकते हो दोस्तों से, मतलब इंडायरेक्टली बोल रहा हूँ बताओ, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मत बताओ किसी को, बिंदास आप लोग बता सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ें सीखें और नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करें अच्छे तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं, वो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आप लोग का टाइम बच सकता है, लेकिन पहले मैं आप लोग को पुराने तरीके से बताऊंगा। अब आप लोग निकालते हैं, पहले निकालना है आप लोग को न्यू शेयरिंग रेशियो निकालना है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ता है आप लोग को, बैलेंस ऑफ वन। तो बैलेंस ऑफ वन कैसे निकालते हैं, वन माइनस, फॉर्मूला आप लोग को लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो अभी दिमाग में लिख रहे हो आप लोग, वन माइनस न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर्स शेयर, बराबर ना, ये मैंने आप लोग को लिखाया था फॉर्मूला। अब मैं वापस लिख दे रहा हूं ताकि बहुत लोग ने नोट डाउन नहीं किया होगा तो ध्यान में रखिए। तो वन माइनस न्यू पार्टनर शेयर, नए पार्टनर का शेयर कितना, देखो यहां पे दिया था 1/4, तो 1/4, क्लियर है सबको ये। अब ये मैथ्स आ गया, सब टेंशन में सर मैथ्स कैसे सॉल्व करने का, एकदम सिंपल है, दो मिनट बताता हूँ। बहुत लोग अलग, इसके अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके करने के, लेकिन सबसे सिंपल तरीका बताऊँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं हो। इसके नीचे आप लोग वन डाल के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, 4 का मल्टीप्लाई 1 से, 4 1 कितना होता है 4, माइनस है तो 4, यहाँ पे क्या हो गया, 4 1 4 हो गया, माइनस 1 कितना होता है 3, और नीचे क्या है 4, 4 1 4 बराबर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, माइनस 1 कर दिया, तो मतलब 4 में से माइनेंगे तो कितना होगा 3, 3 अपॉन 4। तो बैलेंस ऑफ 1 कितना आ गया आप लोग का, 3 अपॉन 4। अब क्या निकालोगे आप लोग, न्यू रेशियो। अभी न्यू रेशियो डायरेक्टली नहीं आएगा, न्यू रेशियो पहले किसका आएगा आप लोग का, मोहन का, किसका आएगा पहले, मोहन का, बराबर ना। तो मोहन का न्यू रेशियो, तो मोहन का न्यू रेशियो का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया, न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था आप लोग का, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन, बैलेंस ऑफ वन। तो ओल्ड रेशियो कितना था मोहन का, जरा देखिए आप लोग का, 2, बराबर है, कितने में से टोटल कितना है, 2+3, 5, मतलब 5 हिस्से में से मोहन को कितने हिस्से मिलते थे, 2 हिस्से मिलते थे, तो मैंने लिख दिया 5 में से 2, क्लियर है। चलिए बैलेंस ऑफ वन, बैलेंस ऑफ वन क्या आया था हम लोग का, 3/4, बराबर है, मल्टीप्लाई है तो टेंशन नहीं, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से, तो 2, 3 का कितना होता है 6, और 5, 4 से कितना होता है 20। तो ये किसका आ गया, मोहन का। अब कैसा निकालने का उसको, वैसे ही रोहन का, तो यहां पर लिखता हूं मैं न्यू PSR ऑफ
रोहन, बराबर है। अब रोहन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। चलिए रोहन का देखिए कितना है, ओल्ड रेशो 3, बराबर है। कितने में से? 5 में से, 5 में से 3 हिस्से मिलते थे उसको। बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1 कितना आया था? 3/4, तो 3/4 क्लियर है। 3 3 9 और 5 4 20, तो रोहन का, मोहन का आ गया 6/20, रोहन का आ गया 9/20। अब किसका निकालना पड़ेगा हम लोग को? चंद्रकांत का, बराबर ना। तो चंद्रकांत न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चंद्रकांत का हम लोग के पास पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1/4। कितना दिया है? 1/4। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ध्यान देने का, मोहन के अपॉन में मतलब डिनोमिनेटर में कितना है? 20। इसके डिनोमिनेटर में कितना है? 20, और इसके कितना है? 4। तो अगर ये 4 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 20 बनाना, क्योंकि लोग दोनों का सेम करना पड़ेगा, दोनों की तरह सेम करना पड़ेगा। तो 4 को अगर हम लोग को 20 बनाने का, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 5 से। तो नीचे आप लोग को मैथ्स का रूल मालूम, नीचे 5 से करें तो ऊपर भी किससे करना पड़ता है? 5 से। तो ये हो गया 20, सॉरी 5 1 5, और ये हो गया 20। क्लियर है? अब तीनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम हो गया, 20 20 20। तो अब हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख सकते हैं। न्यू PSR इज इक्वल टू, पहले किसका लिखेंगे? मोहन, मोहन का कितना है? 6। रोहन, रोहन का कितना है? 9। और फिर लास्ट में चंद्रकांत कितना है? 5। तो ये आ गया न्यू रेशियो। और हम लोग का ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो था 2:3, बराबर है। तो ये मोहन रोहन, ये मोहन रोहन और चंद्रकांत, क्लियर है। ये हो गया हम लोग का न्यू रेशियो। न्यू रेशियो के बाद क्या निकालते हैं हम लोग? सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो काहे के लिए काम आता है? दिमाग में बैठा लो, गुडविल को बांटने के लिए। वो क्या है नई चीज, वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं हम लोग। सेक्रीफाइस रेशियो लिख दिया मैंने, बराबर है। सेक्रीफाइस रेशियो का क्या है आप लोग के लिए फॉर्मूला है? क्या है फॉर्मूला? पहले हम लोग निकालते हैं सेक्रीफाइस रेशियो, हेडिंग डाला हूं मैंने, तो समझ लो किसका निकालता हूं मैं पहले। पहले पार्टनर का नाम है मोहन, तो मोहन, ठीक है ना। मोहन का क्या निकाल रहा हूं मैं? सेक्रीफाइस रेशियो निकाल, चाहिए तो मैं नीचे लिख देता हूं, मोहन सेक्रीफाइस रेशियो, क्लियर है। क्या फॉर्मूला था उसका? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मोहन का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? यहां पे है देखो 2, कितने में से? 5 में से, बराबर है। उसका न्यू रेशियो ये है, कितना है? 6। कितने में से? सब मिला के होता है 20 में से, बराबर ना। 20 होता है देखो 9 15 15 5 20, बराबर है। अब आप लोग को अगर मैथ्स आता होगा तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस जब रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 2 20 40, 6 5 30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, बराबर है। फिर नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से भी, 5 20 100। तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोग का कितना होता है देखो, ये 10/100, बराबर है। मोहन का आ गया, फिर इसका निकालेंगे रोहन का सेक्रीफाइस रेशियो। तो रोहन का सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, उसका ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5, बराबर है। न्यू रेशियो कितना है उसका? 9/20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहां पे हो जाएगा 60, यहां पे हो जाएगा 45, देखो ना 3 20 60, 5 9 45, बराबर है। नीचे 5, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से भी होता है, कितना होता है ये 100। तो ये हो गया 15/100, बराबर है। इसका आया 15/100। अब आप लोग बोलेंगे सर उसका भी निकालोगे, इसका चंद्रकांत का, तो चंद्रकांत को थोड़ी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इन लोग को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो सेक्रीफाइस रेशियो सिर्फ किसका होता है? ओल्ड पार्टनर्स का होता है। तो निकाल दिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? यस, कोई टेंशन की बात नहीं। मतलब सेक्रीफाइस रेशियो आ गया आप लोग का, कितना आ गया? ऊपर कितना है 10, इसका कितना है 15। कट कर लेंगे तो दोनों 5 के डेल में आते हैं, 5 2 10 और 5 3 15। तो सेक्रीफाइस रेशियो कितना आ गया? 2:3। तो मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, सेक्रीफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो क्या होता है? सेम होता है। मोस्टली क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो क्या होता है? सेम। सब क्वेश्चन में नहीं है, मोस्टली बोल रहा हूं मैं तो, लेकिन कैलकुलेट करना पड़ता है और ये वर्किंग में दिखाना पड़ता है कैसा आपने कैलकुलेट किए।
लेकिन मोस्टली क्या होता है स्टूडेंट को, ये जो इतना बड़ा स्टेप है देखो, यहाँ से लेके ये इतना बड़ा, ये नहीं हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा। ये स्टेप के लिए मैंने शॉर्टकट बनाया इतने के लिए, ये पूरे पार्ट के लिए। और शॉर्टकट क्या है, अच्छे से सीखना और मस्त दोस्तों से शेयर करना अगर आप लोग को अच्छा लगे तो। शॉर्टकट क्या है ध्यान देना अभी, हाँ अभी मैं आप लोग को शॉर्टकट देखो खाली इतने से एरिया में बता दूंगा उसको, विदिन टू सेकंड बोलो 10 सेकंड आप लोग निकाल सकते हो, 10 सेकंड के अंदर इतना पार्ट, 10 सेकंड के अंदर कैसे ऐसा 10 बोलो हाँ, 5 में समझना, दो बार करा मैंने, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए पहले क्या कर लेने का, ओल्ड रेशियो लिख लेने का कितना है 2:3, न्यू पार्टनर का रेशियो लिखने का कितना है 1/4, 1/4 शेयर है ना उसका, तो यहां पे 1/4 लिख दिया। ये क्या लिखा ओल्ड रेशियो, ये क्या लिखा न्यू पार्टनर का शेयर। अब क्या करने का 4 में से 1 को माइनस करने का, मतलब 4 - 1 उसी में से, तो कितना आता है 3। ये रेशियो में से 4 - 1 करने का, 4 - 1 करने का वहीं से लिखने का, तो 4 - 1 कितना आता है 3। ये 3 को किससे मल्टीप्लाई करने का, इससे, ये 3 का मल्टीप्लाई इससे क्या करने का मल्टीप्लाई, ये 3 का मल्टीप्लाई इससे क्या करने का मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा कितना होता है 6, 3 3 जा कितना होता है 9, बराबर है। और लास्ट वाला कैसा आएगा, लास्ट वाला कैसा आएगा, ये दोनों को क्या करने का प्लस करने का, क्या करने का प्लस, तो 2 + 3 कितना होता है 5, 2 + 3 कितना होता है 5, और ये 5 को इससे ऊपर वाले जो इसका है ना उससे क्या करने का मल्टीप्लाई, 5 1 5। ये हो गया 10 सेकंड के अंदर आपका क्या निकल गया, न्यू रेशियो निकल गया। ये देखो ये सब झंझट खत्म। आप सेक्रीफाई रेशियो निकालने का तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो आप लोग को पता है, न्यू रेशियो अभी आप लोग ने निकाले, फिनिश। तो ये ट्रिक आप लोग यूज कर सकते हो, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो। देखता हूं आप लोग कितना ज्यादा शेयर करते हैं और कितना इसको वायरल करते हैं। चलिए क्या बताया मैंने वापस रिपीट कर लेते हैं, मिटा देता हूं मैं इन लोगों को, ठीक है। चलिए वापस रिपीट करें, देखो क्या कहा, पहले क्या कर लो आप लोग, ओल्ड रेशियो लिख लो 2:3, फिर क्या लिखो इनकमिंग पार्टनर शेयर लिखो कितना है 1/4, दोनों को माइनस कर लो, 4 में से 1 गया तो कितना होता है 3, बराबर ना। ओरली बता रहा हूँ, चाहिए तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लिख के वापस रिपीट कर सकते हो। 4 - 1 कितना होता है 3, ये 3 जो है दोनों से मल्टीप्लाई करो, 3 2 कितना होता है 6, 3 3 कितना होता है 9, बराबर है। फिर दोनों को क्या करो प्लस, 2 + 3 कितना होता है 5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करो 1 से, 10 सेकंड के अंदर। अब ये हो गया तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें सिर्फ आप लोग को इतना पार्ट प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हैं। सॉल्व में भी क्वेश्चन है, अनसॉल्व में भी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस में भी क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में, वहां से करना है तो वहां से कर सकते हैं, जहां से आपकी मर्जी है वहां से कर सकते हैं। कुछ डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, या कमेंट में पूछेंगे तो बहुत ज्यादा मतलब कमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। हाँ, सिंपल सा है तो आप लोग वहां पे पूछ सकते हैं, किसमें, कमेंट सेक्शन में। तो ये हो गया आप लोग का कुछ नया ट्रिक और कुछ नई चीजें, तो वीडियो ध्यान से देखना, एंड तक देखना। अगला लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे करना है, और गुडविल का जो कंसिडरेशन रहता है, किसका गुडविल, जो नया पार्टनर आता है वो कभी कभार क्या देता है, कंपनी को गुडविल देता है, या गुडविल रेस करना पड़ता है, या हम लोग को मतलब वो लेके आता है, ब्रिंग लेके आता है, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन हम लोग देखेंगे, उसकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे, और उसके बाद सारी जर्नल एंट्रीज देखेंगे कैसे हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं। फिर थर्ड लेक्चर से हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करना शुरू कर देंगे, जैसे कि आप लोग को मैंने कमिट किया है, वैसे वैसे कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी चैप्टर खत्म हो, जैसा आप लोग का जितना फास्ट रिस्पॉन्स होगा उतना मुझे फटाफट खत्म करने में मदद मिलेगी। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी सारी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से और सेफ होंगे। और बहुत सारे कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन नहीं होने वाला आप लोग का पेपर, बोर्ड ने क्लियरली कर लिया है कि 10th और 12th का पेपर ऑफलाइन ही होगा किसी तरह से भी। तो आप लोग प्रिपरेशन शुरू रखिए, अफवाहों पे मत जाइए, अपनी मेहनत करिए, और मेहनत का फल अच्छा ही मिलता है, मुझे पता है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।